पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एक्सेल की फाइल में हम पासवर्ड कैसे लगाते हैं, उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मेल और मैसेजेस हमको आए, उन्होंने पूछा कि सर हमने पासवर्ड लगा तो दिया है, इसे हटाएं कैसे। तो इसे हटाने का बहुत सिंपल तरीका है, एक्सेल के ऑफिस बटन पर जाइए, प्रिपेयर ऑप्शन को चूज़ कीजिए, यहाँ पर एनक्रिप्ट पासवर्ड एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या कोई जो कोई भी बात है, आप यहाँ पर ब्लैंक कर दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इस ऑप्शन से केवल जो हमने पासवर्ड ओपन करने के लिए लगाया था वो हटता है, जो मॉडिफिकेशन वाला पासवर्ड है उसको हटाने का वही तरीका है। जो ऑप्शन हमने पासवर्ड लगाने के लिए यूज़ किया था उसी को वहाँ से बैक करना है। एक बार देख लेते हैं हमने पासवर्ड लगाया कैसे था। हमने फाइल को सेव किया था, टूल्स ऑप्शन में गए थे, यहाँ पर हमने जनरल ऑप्शन को चूज़ किया था, यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई हमने दो पासवर्ड लगाए थे और फाइल को सेव किया था। इसके बाद दोनों पासवर्ड को री एंटर किया था और फाइल को सेव कर दिया था। अगली बार जब हमने फाइल खोली थी तो ये हमसे दोनों पासवर्ड मांग रहा था। अब हमें ये दोनों पासवर्ड हटाने हैं तो सिंपल वही प्रोसेस आप दोबारा दोहरा दीजिए। ऑफिस बटन पर जाइए, फाइल को सेव एज कीजिए, फिर से टूल्स को सेलेक्ट कीजिए, जनरल ऑप्शन पर जाइए और दोनों पासवर्ड को यहाँ से हटा दीजिए, ओके कीजिए और फाइल को उसी लोकेशन पर सेव कर दीजिए। जब आप उस लोकेशन पर फाइल को सेव करेंगे तो ये पूछेगा कि जो आपने फाइल पहले सेव की थी वो पहले से है क्या, आप उसको रिप्लेस कराना चाहते हैं। जी हाँ, हम उसे रिप्लेस कराना चाहते हैं, यस कर दीजिए। तो क्या होगा कि वो पासवर्ड वहाँ से हट जाएंगे। अब दोबारा आप फाइल को खोल के देखिए, ये पासवर्ड हट चुके हैं। ये हो गया फाइल से पासवर्ड को हटाना। सेकेंड ऑप्शन आता है फाइल की ऑटो रिकवरी तैयार करना। फाइल की ऑटो रिकवरी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है या बैकअप की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, अगर अचानक से आपकी फाइल बंद हो जाती है या किसी वजह से करप्ट हो जाती है तो आप की जो एक्सेल की फाइल है आप उसको एक बैकअप फाइल से रिकवर करा सकते हैं। इसलिए हमें एक्सेल की फाइल के बैकअप की और रिकवरी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सी वजह होती हैं, अगर आपकी लाइट चली गई, आपके यूपीएस का बैकअप आप काम नहीं कर पाया या आप फाइल को सेव नहीं कर पाए और किसी वजह से फाइल आपकी बंद हो गई, तो हमें ये दोनों ऑप्शंस की आवश्यकता पड़ती है। बैकअप के लिए हमने पिछली बार ही आपको बता दिया था कि जब आप फाइल को सेव करें या सेव एज करें तो टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन पर जहाँ पर हमने पासवर्ड लगाया था वहाँ पर एक आपको एक ऑप्शन और दिखाई दिया था, ऑलवेज क्रिएट बैकअप, बस यहाँ पर टिक लगा दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आपकी फाइल का बैकअप सेव करते समय ही तैयार होना शुरू हो जाएगा। इसको सेव कर दीजिए, आपकी फाइल का बैकअप तैयार होना शुरू हो गया होगा। ये देखिए बैकअप ऑफ बुक टू। लेकिन इस बैकअप की अलग अलग टाइमिंग भी होती है, यानी कि आपने जो काम किया है वो बैकअप की आप टाइमिंग उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इस टाइमिंग को देखने के लिए या सही करने के लिए, अपने हिसाब से उसको ठीक करने के लिए आप जाइए एक्सेल ऑप्शंस में। यहाँ पर सेव ऑप्शन मिलेगा आपको, इसको खोल लीजिए। हमने यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 1 मिनट। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक्सेल को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर 10 मिनट का टाइम दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसी फाइल पर काम कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर बार बार लाइट जाती है या UPS नहीं है, तो आप वहाँ पर टाइम को कम से कम रख सकते हैं, यानी 1 मिनट रख सकते हैं। अब यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन और डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन, ये दोनों क्या चीज़ हैं। जो आपकी फ़ाइल का बैकअप तैयार होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल किसी दूसरी जगह पर तैयार करता है, और ये वो लोकेशन है जहाँ आप फाइल को सेव रखते हैं या आप फाइल को सेव करेंगे। तो ये दोनों लोकेशन अलग अलग भी हो सकती हैं, और अगर आप चाहें तो इनको एक भी रख सकते हैं। मानिए आप फाइल को सी ड्राइव में कहीं सेव कर रहे हैं तो बस इस एरिया को यहाँ से कॉपी कीजिए और ऊपर वाले में पेस्ट कर दीजिए, तो आपकी फ़ाइल का बैकअप और आपकी फ़ाइल की जो मूल लोकेशन है यानी आपकी जो मूल फाइल है वो दोनों एक ही जगह तैयार होगी। नहीं तो
बैकअप आपका अलग तैयार होगा और आपकी जो मेन फाइल होगी वो कहीं और होगी। तो इसलिए इसको याद रखिए कि ये दोनों अगर एक ही जगह पर होंगी तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगी। अगर आपको लगता है कि एक ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बैकअप दूसरी ड्राइव में भी तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम एक्सेल की फाइल का बैकअप कैसे ले सकते हैं, उसके पासवर्ड को कैसे हटा सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो इस बैकअप को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, यानी सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी, आप मिनट्स को हटा दें तो वो बैकअप आपका तैयार नहीं होगा जो पहले तैयार हो रहा था। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। अब आपकी फाइल का बैकअप हर एक मिनट पर आपकी सेव की हुई लोकेशन वाली जगह पर तैयार होता रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।